महीने में गलवान वैली पे इंडिया और चाइना के एलएसी में डिस्प्यूट शुरू हो गया, तब जाके सोते हुए माइक्रोमैक्स को एक बार फिर जागना पड़ा। और वो तब से लेके अभी तक एक के बाद एक टीजर जो है अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे दिए जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे माइक्रोमैक्स जो कमबैक करने वाला है ये तो हम लोग को पता चल चुका है, लेकिन कितने फोन्स आने वाले हैं, कौन से स्पेसिफिकेशन में आने वाला है और कब तक ये आएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है ज्यादातर जो रूमर्स के ऊपर बेस करके बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आज का ये वीडियो जो है मैं बनाने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे ड्रॉइड का चैनल, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माइक्रोमैक्स का जो फोन्स आने वाले हैं वो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन फोन जो है वो आने वाले हैं, जिसमें से दो होंगे स्मार्टफोन और एक होगा कीपैड फोन या फिर फीचर फोन। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कीपैड फोन की, तो जितना मेरे सोर्स बता रहे हैं कि यहाँ पे शायद हम लोगों को 4G जो है वो देखने को मिल जाए इस कीपैड फोन के अंदर, और यहाँ पे शायद जियो और एयरटेल के साथ काम कर रहे क्लोजली माइक्रोमैक्स अपना 4G वोल्टी जो है सपोर्ट देने के लिए अपने कीपैड फोन में। अब प्रोसेसर कौन सा आने वाला है या फिर क्या फैसिलिटीज बाकी होने वाली है वो तो फिलहाल मेरे हाथ में नहीं लगा है, लेकिन बहुत जल्द और डिटेल डाल के और एक नया वीडियो जो है माइक्रोमैक्स के ऊपर मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर लाने वाला हूं। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास क्या आने वाला है माइक्रोमैक्स की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि फीचर फोन के साथ साथ दो स्मार्टफोन हम लोग को मिलने वाला है, उसमें से एक थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का स्मार्टफोन जो है वो हो सकता है। प्राइसिंग जो है दोनों फोन के बिलो 10,000 जो है ये बताया जा रहा है माइक्रोमैक्स की तरफ। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेरे हाथ लगी है, पता नहीं एग्जैक्टली ऑफिशियली अभी नहीं है, लेकिन जो सोर्स से मुझे पता चला है तो ये ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सर्टेन हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे जो प्रीमियम सेगमेंट का फोन माइक्रोमैक्स लॉन्च करने वाला है उसमें हम लोगों को G35 या फिर G25 का प्रोसेसर जो है वो दिख सकता है। 6 इंच का स्क्रीन जो है HD+ रेजोल्यूशन में वो हो सकता है। साथ ही साथ में रियर साइड में हम लोगों को डुअल कैमरा और फ्रंट में हम लोगों को वाटर ड्रॉप के अंदर सिंगल कैमरा जो है वो दिखने वाली है। अब बात करते हैं एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड 10 जो है आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। प्रोसेसर अभी तक कंफर्म जो है इतना ही मुझे पता है, लेकिन इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं यहाँ पे 128GB तक का इंटरनल मेमोरी हम लोग को यहाँ पे मिल सकती है। शायद यहाँ पे 64GB का भी और एक वेरियंट जो है माइक्रोमैक्स लॉन्च कर सकता है। 4GB का रैम हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है, एक ही वेरियंट का रैम जो है शायद यहाँ पे आ सकता है। बात करेंगे बाकी चीज की, तो यहाँ पे आपको 4000mAh की बैटरी जो है वो भी दे रहा है, साथ ही साथ में 18W का जो है आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग जो है माइक्रोमैक्स शायद दे सकता है। और जितना मैंने सोर्स ने मुझे कंफर्म किया कि यहाँ पे M सीरीज के अंडर ये फोन जो है वो लॉन्च हो सकता है, तो देखते हैं एग्जैक्टली कौन से सीरीज के अंदर ये फोन आता है। और अगर नेक्स्ट फोन की बात करें तो उसमें शायद यहाँ पे और थोड़ा अग्रेसिव प्राइसिंग में वो आ सकता है, शायद यहाँ पे 6,000 to 7,000 के प्राइस रेंज में वो आ सकता है। प्राइसिंग के बाद आ जाते हैं सीधा यहाँ पे प्रोसेसर के ऊपर, तो प्रोसेसर शायद यहाँ पे P22 मीडियाटेक का हेलियो वो हो सकता है या फिर G25 जो है वो यहाँ पे माइक्रोमैक्स यूज कर सकता है। सिंगल कैमरा रेयर में, सिंगल कैमरा फ्रंट में हो सकता है और HD+ का रेजोल्यूशन जो है वो हम लोगों को मिलने वाला है। 3500mAh की बैटरी जो है वो मेरे सोर्स ने मुझे कंफर्म किया है, तो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा माइक्रोमैक्स कब ये लॉन्च करता है और कौन से प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च करता है। और अगर आ जाते हैं यहाँ पे कब ये लॉन्च होने वाला, तो आपको बता दूं कि अक्टूबर महीने के मिड में शायद ये फोन जो है वो आ सकता है। दिवाली के पहले फिर से माइक्रोमैक्स हम लोगों को एक बार अपने जलवे दिखाने के लिए तैयार हो रही है। यहाँ पे मेड फॉर इंडिया और मेड बाय इंडिया जो है हैशटैग रन कर रहे हैं माइक्रोमैक्स, अपने वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा टीजर्स जो है वो छोड़ रहे हैं, ट्वीट के अंदर रिप्लाई कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द तगड़ा कुछ लाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे इनिशियल स्टेज में जो 10,000 का ब्रैकेट है उसी को उन्होंने टारगेट किया है, और अगले 2 साल के अंदर 20 नए स्मार्टफोन जो है माइक्रोमैक्स लाने वाला है, ये सोर्स कंफर्म कर दिए। तो इसके हिसाब से हर महीने हमको कुछ ना कुछ माइक्रोमैक्स के फोन जो है वो मिलने वाले हैं, ये भी कंफर्म हो जा रहा है। एग्जैक्टली देखते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आएगा मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप माइक्रोमैक्स का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ में कि आप चाइनीज ब्रांड को छोड़ के इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करेंगे अगर अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छे स्पेक्स लेके वो आ जाए, तो आप मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके। चलिए दोस्तों, इसी बात पर खत्म करेंगे आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।